रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके घर आने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके घर आने में कुछ गलत नहीं था। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हलकों में परिपक्वता की भावना की जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अहम बात कही। उन्होंने सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में बिना बात के फड़फड़ा रहे कांग्रेसी और विपक्षी नेताओं को खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा कि सोशल मीडिया के आने के बाद खासतौर पर ऐसे प्रेशर ग्रुप दिख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर कोर्ट पर दबाव देने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये प्रेशर ग्रुप इस तरह का माहौल बनाते हैं कि उनके मुताबिक फैसला आए तो माना जाएगा कि कोर्ट आजादी से काम कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड के खिलाफ फैसला आता है तो कहा जाता है कि अदालत स्वतंत्र है, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में जाए तो न्यायपालिका आजाद नहीं रह जाती। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट की आजादी का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से 10 नवंबर को रिटायर हो रहे चंद्रचूड़ ने कहा कि इसी पर उनको आपत्ति है। उन्होंने कहा कि एक जज की अंतरात्मा कानून और संविधान से निर्देशित होती है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के गणपति पूजा के मौके पर चीफ जस्टिस आवास जाने के मसले का भी जिक्र किया। चंद्रचूड़ ने कहा कि उनको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच और सामाजिक स्तर पर भी बैठक होती है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस जैसे मौकों पर भी मिलते हैं। इस बातचीत में उन मामलों पर चर्चा नहीं होती जिन पर कोर्ट फैसला लेता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में शक्ति के विभाजन का ये मतलब नहीं कि न्यायपालिका इस वजह से नीतियां ना बनाए कि वो कार्यपालिका का विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा कि नीति तैयार करने का काम सरकार का है, कार्यपालिका कभी भी न्यायिक मामलों में दखल नहीं दे सकती। चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक ये स्पष्ट अंतर है उस वक्त तक न्यायपालिका और कार्यपालिका की मुलाकात और बातचीत में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले भी कह चुके थे कि मोदी का उनके आवास जाकर गणपति पूजा में हिस्सा लेना गलत नहीं था। इस मामले पर सियासत गरमाई गई थी और विपक्षी नेता समेत तमाम लोगों ने न्यायपालिका की आजादी से समझौता किए जाने का आरोप लगाकर चंद्रचूड़ की तरफ उंगली उठा दी। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों पर भरोसा करने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिपक्वता की भावना होनी जरूरी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हुई बातचीत का न्यायिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। जिस तरह न्यायपालिका को कार्यपालिका की भूमि नहीं निभानी चाहिए क्योंकि यह शक्ति सरकार के पास है, कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में अपना निर्णय करती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। वर्कआउट बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जामा मस्जिद व इसके आसपास सर्वे निरीक्षण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ एसआई को जामा मस्जिद का कोई स्केच या टेबल रिकॉर्ड पर पेश करके यह बताने को कहा है कि मस्जिद परिसर का उपयोग किन उद्देश्य के लिए हो रहा है। अदालत ने यह भी बताने को कहा कि राजस्व और दान का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह बताने के लिए कहा है कि क्या जामा की प्रबंध समिति के संविधान में कोई परिवर्तन किया गया है या नहीं। अदालत ने बोर्ड को जामा मस्जिद व इसके आसपास के संरक्षण या सुरक्षा के लिए सुझाव व प्रस्ताव भी पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए अदालत ने 4 सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। मामले पर सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने पीठ को सूचित किया कि 10 फरवरी 2015 को जारी आदेश के तहत मस्जिद की प्रबंध कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव के अलावा 6 सदस्य हैं। वर्तमान कमेटी के संबंध में पीठ द्वारा पूछने पर अधिवक्ता ने कहा कि कमेटी के सदस्यों की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से साफ नहीं है और वे इस पर निर्देश लेकर जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता मनीष मोहन व अनिल सोनी ने कहा कि संबंध में एसआई महानिदेशक के साथ हुई बैठक में एसआईए ने कहा कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। अदालत सुहेल अहमद खान और अजय गौतम द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसमें जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी द्वारा शाही इमाम अपाधि के इस्तेमाल और उनके बेटे को नायब इमाम के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई गई। याचिकाओं में अधिकारियों को जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और उसके आसपास सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाओं में यह भी सवाल उठाया गया है कि जामा मस्जिद एसआई के अधीन क्यों नहीं थी। अधीक्षक पुरातत्वविद ने हल्फनामा दाखिल कर कहा कि एसआई के अनुसार मूल फाइल नहीं
मिल रही है। यह भी कहा कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किए बगैर एसआई ने उसके पुनर्स्थापना और संरक्षण का काम किया है। एसआई ने कहा कि मस्जिद के मरम्मत, नवीनीकरण, संरक्षण व अन्य कार्यों में उनके द्वारा वर्ष 2007 से 8 से वर्ष 2021 तक कुल 31,82,816 रुपए खर्च किए गए। एएसआई ने अदालत में दाखिल हल्फनामा में कहा कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के पर्याप्त प्रभाव होंगे। संरक्षित स्मारक घोषित करने पर 100 मीटर में निर्माण वर्जित होने संबंधी निषिद्ध क्षेत्र का परिवर्धन लागू होगा। इसके अलावा विनियमित में क्षेत्र निर्माण संबंधी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है और निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यह भी कहा कि ऐसे में स्मारक के चारों ओर 300 मीटर का क्षेत्र में केंद्र सुरक्षा पर पर्याप्त प्रभाव होगा। इसके अलावा जामा मस्जिद संरक्षक वकफ अधिनियम 1995 के तहत दिल्ली वकफ बोर्ड का है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की मियाद सोमवार शाम को खत्म हो गई। हालांकि इससे कुछ ही मिनट पहले यहां एक बेहद अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला। यहां कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार मधुरिमा राजे छत्रपति ने आखिरी समय में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इससे पहले कांग्रेस ने कोल्हापुर नगर निगम के पूर्व कॉरपोरेटर राजेश लटकर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पार्टी ने उनका नाम बदलकर कोल्हापुर के शाही परिवार की सदस्य मधुरिमा राजे छत्रपति का नाम घोषित कर दिया था। इससे नाराज होकर राजेश लटकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस नेता लटकर से लगातार ही पर्चा वापस लेने का आग्रह कर रहे थे। सोमवार को एमएलसी सतेश पाटिल उन्हें मनाने के लिए घर भी गए, लेकिन वे अपने घर पर नहीं मिले। उनका फोन भी बंद बताया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ता लटक को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिले। और इसी बीच नामांकन वापस लेने के लिए केवल 5 से 10 मिनट बाकी रहते हुए कोल्हापुर के शाही परिवार के सदस्य सांसद शाहू छत्रपति, पूर्व विधायक मालोजी राजे छत्रपति और उनकी पत्नी मधुरिमा राजे छत्रपति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद शाहू छत्रपति ने कहा कि मधुरिमा राजे ने मजबूरी में अपना नामांकन वापस लिया। राजेश लटककर एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली। एक कार्यकर्ता को बगावत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। जब भी कोई उल्टा कदम उठता है तो वो आगे की तैयारी के लिए होता है। ऐसे कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा सीट पर अब मुख्य मुकाबला महायुति के राजेश क्षीरसागर और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश लटककर के बीच होगा। वहीं महाविकास आघाड़ी और महायुति के बागी उम्मीदवार दोनों गठबंधनों के लिए बागी कैंडिडेट सरदर्द बने हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने बोगियों को मनाने में किसी हद तक सफल हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी राजनीतिक सूझबूझ को बागियों को वापस लाने में सफल हो गए हैं। बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। महायुति के दिग्गज नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बागियों को 3 बजे तक नाम वापस लेने की चेतावनी जारी की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, फ्रेंडली फाइट का कोई सवाल ही नहीं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा, 3 बजे तक इंतजार करें, तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले शरद पवार ने फ्रेंडली फाइट को लेकर कहा था, मेरे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने इन बातचीतों का हिस्सा नहीं हूं और हमारे अन्य नेता इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ 10-12 सीटें हैं जहां गठबंधन से 2 नामांकन भरे जा रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में हम इसका समाधान खोजने के लिए एक साथ बैठेंगे। वहीं सोमवार को बैठक में मौजूद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कई बागी उम्मीदवारों से संपर्क किया, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने को कहा। कई बागी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उनके पास दोपहर 3 बजे तक का समय। जिन बागी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। इन सबके बीच शरद पवार के राजनीति से संन्यास लेने की भी चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच राजनीति से संन्यास को लेकर एनसीपी नेता शरद पवार ने बड़ा हिंट दिया है। हाल के समय में अजीत पवार कई बार उनके संन्यास को लेकर सवाल उठा चुके हैं। शरद पवार ने अपने संन्यास को लेकर हिंट देते हुए कहा, अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। 84 साल की उम्र में भी शरद पवार राजनीति में सक्रिय हैं। संन्यास के संकेत देते हुए एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे अब कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अब चुनाव को लेकर रुकना पड़ेगा
और नए लोगों को आगे आना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार ने आगे कहा, मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। मेरे राज्यसभा के कार्यकाल में अभी 1.5 साल का समय बचा हुआ है। इसके बाद मैं राज्यसभा में जाऊंगा या नहीं, इस पर मुझे विचार करने की जरूरत है। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे अब MLA या MP नहीं बनना है। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अगर हमारे विचारों के साथ सरकार आती है तो हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े होंगे। शरद पवार के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह वाकई में संन्यास लेंगे या नहीं। उनके बयान से राजनीतिक पंडितों के बीच यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या अब NCP में बड़ा बदलाव आएगा। इसी साल की शुरुआत में अजीत पवार ने NCP नेता शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें घर में रहना चाहिए, पता नहीं वो कब संन्यास लेंगे, जिसके बाद शरद पवार ने पलटवार भी किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, मेरी उम्र को लेकर अजीत पवार बार बार बयान देते हैं। अभी मेरे राज्यसभा का कार्यकाल में समय बचा हुआ है, तब तक मैं सेवा करूंगा, उसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं। 15 दिन बाद यानी 20 नवंबर को एक ही फेज में मतदान होगा। 288 सीटों वाली विधानसभा को नए सदस्य मिलेंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। महायुति में एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की नेतृत्व वाली NCP शामिल है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 2 बार सरकार बन चुकी है। 5 सालों में 2 दलों का बंटवारा भी हो चुका है। इस बार देखना यह है कि बाजी कौन मारेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ।